अगर आपको केमिस्ट्री कमज़ोर है, सब्जेक्ट कमज़ोर है, तो क्या होगा, उसका एक बेस होता है, वो आज का जो बेस मैं बताने जा रहा हूँ वो है फॉर्मूले आपको आना चाहिए। जितने आपको फॉर्मूले याद हों उतनी अच्छी केमिस्ट्री आपकी अच्छी होती चली जाएगी। आज का जो फॉर्मूला है वो है अमोनियम फॉस्फेट। ये फॉर्मूला काफ़ी यूज होता है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रिएक्शन में भी यूज होता है। स्टेप वन सिंबल, अमोनियम का जो सिंबल होता है NH4 होता है, फॉस्फेट को लिखते हैं PO4 लिखते हैं। देन स्टेप टू आयन या वैलेंसी में डिवाइड करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव में। देन पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नंबर के अकॉर्डिंग के नाम चलते हैं, मोनो डाई ट्राई एट्रेटा चलते हैं। देन इनमें से क्या होता है, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तभी फॉर्मूले बनते हैं। अमोनियम की जो वैल्यू होती है वो होती है प्लस की 1 होती है, फॉस्फेट की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस की 3 होती है। देन यहाँ से फाइंड हुआ सिंबल, यहाँ से फाइंड हुआ वैल्यू, तो दोनों को करेंगे स्टेप नंबर 3 में लिखेंगे, इसे बोलते हैं क्रिस क्रॉसिंग स्टेप बोलते हैं। यहाँ पर लिखिए NH4 वैल्यू कितनी होती है इसकी 1, एंड फॉस्फेट की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, NH4 का होल थ्राइस PO4। इस तरीके से क्या हुआ, फॉर्मूला फाइंड हो गया अमोनियम फॉस्फेट। तो देखा कितना आसान होता है, बट आसान सारी चीज़ें नहीं होती, आसान बनाना पड़ता है। ये तब बनता है जब आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें।